ये सौगुना फलों को लेके आए, अंधकार की शक्तियों से चुराने ना पाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। आमीन। बैठ जाओ अपने शरीर में। मैं एक वचन पढ़ूंगा, आप सिर्फ सुनेंगे। दूसरा पत्रस एक अध्याय उसकी चार आयत में लिखा, जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि इनके द्वारा तुम उन सराहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के संभागी हो जाओ। सब बोलो आमीन। परमेश्वर ने कहा, मैंने तुम्हें बहुत सी बहुमूल्य और बहुत बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। क्या दिया? वायदा दिया। कहता बहुत ही बहुमूल्य वायदे मैंने तुम्हारे साथ किए, ताकि तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। उसने कहा, मैंने तुम्हें बहुत से वायदे दिए, ताकि तुम इस सड़ाहट से छूटकर जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती, लिखा लस्ट से, इंग्लिश में लिखा लस्ट से होती सड़ाहट, डिके, सड़ना किसी चीज को, जैसे बॉडी सड़ती है, लाश सड़ती है, गंदे फल सड़ जाते हैं, सब्जियां सड़ जाती, लिखा इस संसार की अभिलाषाओं से तुम्हें सड़ाहट होगी। और लिखा परमेश्वर ने तुम्हें वायदे दिए, तुम्हारे श्रापों को, जनरेशंस के श्रापों को तोड़ने के लिए बाइबल में एक वायदा दिया परमेश्वर। कहता उस वायदों को ध्यान से देखो, परमेश्वर ने तुम्हें प्रतिज्ञाएं दी हैं, तुम्हें वायदे दिए, ताकि तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ और ईश्वरीय स्वभाव के क्या बन जाओ? सहभागी बन जाओ। आपकी लाइफ में, आपकी मिनिस्ट्री में, आपके बिजनेस में, आपकी फैमिली में मिरेकल्स बढ़ते हैं जैसे जैसे आप स्वर्गीय स्वभाव में बढ़ते हो। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने कहा ईश्वरीय स्वभाव में संभागी हो जाओ। कैसे? कहता परमेश्वर ने तुम्हें प्रतिज्ञाएं दी हैं। क्या प्रतिज्ञा है उसकी? अगर हम उस गवाही को सुने संडे वाली, कि शैतान की प्रतिज्ञा यह थी कि जब तेरे घर में पहला बच्चा होगा, गूंगा बहरा होगा और 20-25 साल में मैं ले जाऊंगा। और परमेश्वर की प्रतिज्ञा क्या है? कि अगर तू क्रूस की ओर देखेगा, तू श्रापों से छूट जाएगा, शैतान से छूटेगा, मृत्यु से छूटेगा, बीमारियों से छूटेगा। यह किसकी प्रतिज्ञा है? परमेश्वर की। आप किसी बाबा के पास नहीं आए हो जो बाबा बड़ा पावरफुल है, जो भक्ति करके आता है, लोगों को चंगा करता है। नो नो नो, मेरी भक्ति से आप चंगे नहीं हो रहे हो। मैं भी आप ही के जैसा था। आप यीशु मसीह के नाम में और उसके विश्वास को द्वारा हील हो रहे हो। सुनो ध्यान से। अब उसने कहा उन प्रतिज्ञाओं को ध्यान से देखो। दोबारा पढ़ेंगे हम वचन, अब ध्यान से समझना। लिखा जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो संसार की अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। परमेश्वर ने तुम्हें बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं, हां के ना? वो कौन सी है? तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा, मैं तुझे दीर्घ आयु से तृप्त करूंगा, तुझे किसी अच्छी चीज की कमी ना होगी, यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की कमी ना होगी। कहता मैं तुम्हें सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं, तुम्हें अगवा बनाऊंगा, पूंछ नहीं। कितनी उसने लिखा, उसने बड़ी, कहता प्रेशियस इंग्लिश में लिखा, बड़ी प्रेशियस, बड़ी कीमती और बड़ी बड़ी प्रतिज्ञाएं खुदा ने तुम्हें दी। पता क्यों दिए? कहता तुम संसार की सड़ाहट से छूट जाओ जो बुरी अभिलाषाओं से होती। इसका मतलब अगर मैं किसी को सामने देख रहा हूं कि एक परिवार में सब बच्चे गूंगे बहरे पैदा हो रहे हैं और मर रहे हैं, पर चर्च में आने के बाद वो गूंगा सुन रहा है और बोल रहा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बड़ी प्रतिज्ञाएं दी हैं। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, यह प्रतिज्ञा है।
जितने रोग मैं मिस्रियों पे भेजता था मैं तुम पर नहीं भेजूंगा। ये प्रतिज्ञा है। कहता तुम्हें बड़ी प्रतिज्ञाएं मिली हैं, तुम्हें बड़े वायदे मैंने दिए हैं, मैं तुम्हें इतनी आशीष दूंगा रखने की जगह नहीं होगी। कहता मैं संसार की सब जातियों में से तुम्हें श्रेष्ठ करूंगा, एक्सलेंट नंबर वन करूंगा। यह प्रतिज्ञा है। पता क्यों दी आपको? कहता जब तुम इस संसार की अभिलाषाओं में जाओगे, आज एक मदर व्यभिचार में, उसे बड़ा अच्छा लग रहा है, उसके पति का गर्लफ्रेंड अलग है, उसका बॉयफ्रेंड अलग है, लेकिन जब उसकी लड़की ऐसा कर रही है, अब वो सड़ रही है, उसे फील हो रहा है, उसे बेइज्जती महसूस हो रही, अब उसे मुश्किल लग रही। बाइबल में यही तो लिखा है। कहता उस सड़ाहट से तुम छूट जाओ जो बुरी अभिलाषाओं से होती। इसका मतलब अगर मेरी बुरी अभिलाषा लस्ट, वो सिगरेट पीने की हो सकती, शराब पीने की हो सकती, लड़कियों को देखने की हो सकती, पैसे का लस्ट हो सकता है। कहता अगर ये तुम में है तो सड़ाहट भी होगी, यानी डिके होगा, तुम सड़ोगे, कहीं बिजनेस में, कहीं फैमिली में, कहीं बच्चों में, कहीं रिलेशनशिप में, कहीं अपनी चर्च में। फिर तुम बोलोगे ये क्यों नहीं हो रहा, वो क्यों नहीं हो रहा, खुदा सुनता क्यों नहीं, मेरा काम होता क्यों नहीं। कहता अगर तुम बड़ी प्रतिज्ञाओं को देखो, प्रेशियस वन, बड़ी कीमती जो खुदा ने तुम्हें दी, हालेलुया। कहता ये बड़ी प्रतिज्ञाएं और ये बड़ी प्रेशियस प्रतिज्ञाएं तुम्हें इसलिए दी हैं ताकि तुम उस सड़ाहट से छूट जाओ जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती। डिके, फल खराब हो जाते ना, सड़ जाते, खाने योग्य नहीं रहते, वैसे ही जब बुरी अभिलाषा आती, वो गंदा देखने की हो, किसी को नीचा करने की हो, अपनी दरानी को नीचा दिखाने की हो, जब हाथ में पावर हो उसको मिसयूज करने की हो, कहता तुम करो तुम, क्योंकि तुम फ्री विल इंसान हो, पर कहता तुम सड़ोगे, सड़ाहट होगी, डिके होगा। यदि फ्रूट सड़ जाता है तुम्हारी लाइफ सड़ जाएगी, बच्चों के साथ रिश्ता सड़ जाएगा, बॉडी सड़ जाएगी, पैसा सड़ जाएगा। तुम बोलोगे ये क्या हो रहा है, डिके क्यों हो रहा है, ये सड़ाहट क्यों हो रही। परमेश्वर कहता सड़ाहट इसलिए हो रही, कहता बुरी अभिलाषाओं से, लस्ट लिखा इंग्लिश में, लस्ट मीन लॉन्गिंग, किसी चीज के लिए तड़फना, किसी चीज के लिए लॉन्गिंग करना, किसी चीज के लिए अपने अंदर लॉन्ग, अपने अंदर वो रखना, वो गंदा ब्लू फिल्म का हो, वो सिगरेट भी नहीं है, वो कब प्रचार खत्म होगा, सिगरेट भी नहीं, अभी भी सिगरेट का ध्यान है। किसी को लस्ट है घर जाते ही कुछ ऐसा काम करना है, किसी को लस्ट है अपने हाथों पे कंट्रोल नहीं, यंग लड़कों को अपने मन पे कंट्रोल नहीं, ये लस्ट है। कहता जब लस्ट होगा तो सड़ाहट होगी, पर कहता परमेश्वर ने तुम्हें बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, उसका रीजन क्या? कहता इसलिए दी हैं कि तुम सड़ाहट से छूट जाओ, तुम्हारे मरे हुए वो फल, कर्म, परिवार, बिजनेस, उस सड़ाहट से छूट जाएं और जीवित हो जाएं। उसको फिर से पढ़ेंगे ध्यान से। इसमें लिखा कहता जिसके द्वारा उसने हमें बड़ी, बहुत ही बड़ी और बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं ताकि तुम उस सड़ाहट से छूट कर जो इस संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। क्या सिगरेट पीना ईश्वरीय स्वभाव है? लंगर प्रसाद खाना ईश्वरीय स्वभाव है? डरना ईश्वरीय स्वभाव है? आज गांव के सरपंच ने कह दिया भाई हमारे फंक्शन पे आना है, सब कुछ करना पड़ेगा चाहे तुम क्रिश्चियन हो। क्या ऐसा करना ईश्वरीय स्वभाव है? हां, गलत बोलना ईश्वरीय स्वभाव है, चोरी करना ईश्वरीय स्वभाव है, किसी को धोखा देना ईश्वरीय स्वभाव है। कहता मैंने तुम्हें बड़ी प्रतिज्ञाएं दी, बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी,
दुनिया का कोई डॉक्टर फटे यूट्रस से बेबी पैदा नहीं कर सकता। कान के पर्दे हो ही ना तो क्या कर सकता है। कान के पर्दे बनने शुरू हो गए, आंख बननी शुरू हो गई। उसने कहा मेरे कोड़े खाने से तुम चंगे। ये बहुमूल्य प्रतिज्ञा है। ये हर जात और धर्म से ऊपर की मैं बात कर रहा हूं। मैं क्रिश्चियन सिख हिंदू धर्म की बात नहीं कर रहा हूं। मैं आपको परमेश्वर की बात कर रहा हूं जो ना किसी जाति का ना किसी धर्म का है। उसने कहा मैंने तुम्हें बड़े वायदे दिए हैं। अगर तुम अपना ध्यान उन वायदों पे लगाओ, अगर यूथ लगाए अपना वायदों पे ध्यान कि जीसस ने मुझे एक्सीलेंस लाइफ जीने के लिए बुलाया, उसने मुझे मेरे काम में परफेक्ट होने के लिए बुलाया, ऊंचा जाने के लिए बुलाया, मुझे ब्लेस करने के लिए बुलाया, कहता फिर तुम उस सड़ाहट से छूट जाओगे जो बुरी अभिलाषाओं से होती। तुम अपने आप को फ्री करते जाओगे और ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी हो जाओगे। और अगर आप इस वचन को आगे पढ़े तो ईश्वरीय स्वभाव के करेक्टरिस्टिक्स लिखे हैं, जैसे हम गुण बोलते हैं कि ईश्वरीय स्वभाव होता क्या है। विश्वास, सद्गुण, समझ, भक्ति। क्यों दिए उसने हमें प्रतिज्ञाएं? ताकि हम सड़ाहट से क्या हो। और सड़ाहट कैसे आती है? पाप से, बुरी अभिलाषाओं से। लस्ट लिखा, लस्ट से। लस्ट एक चीज की लॉन्गिंग, एक चीज के लिए तड़फ, वो कोई भी हो सकती। जब लस्ट अंदर होगी तो लिखा सड़ाहट होगी, डिके होगा। और लिखा परमेश्वर ने कहा मैंने बड़ी प्रतिज्ञाएं तुम्हें इसलिए दी हैं क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम सड़ो, मैं नहीं चाहता तुम सड़ो, मैं चाहता तुम बहुतायत का जीवन पाओ। मैंने बड़ी प्रतिज्ञाएं तुम्हें इसलिए दी हैं कि तुम अपना ध्यान लगा के देखो कि अगर फटे यूट्रस से बेबी हो सकता है, एक नया कान का पर्दा पैदा हो सकता है और बंदा बोल सकता है, आंख नहीं पैदा हो सकती, एक पागल बंदा ठीक हो सकता है, हॉस्पिटलाइज बंदा यहां पे एम्बुलेंस में आया हुआ ठीक हो सकता है। तो इसका मतलब अगर परमेश्वर सच्चा है तो मुझे अपनी बुरी अभिलाषाओं से बाहर आना है। आप उतने ही स्ट्रांग हैं जितना आपका शरीर के ऊपर कंट्रोल है। परमेश्वर ने कहा मैंने प्रतिज्ञा दी है तुझे, तेरा वंश बचाया जाए। अब प्रतिज्ञा पूरी कैसे होगी? मैं फाइट करूंगा अपनी प्रतिज्ञा के लिए, मैं लड़ूंगा उस वचन के ऊपर, उस वचन को बताऊंगा परमेश्वर को कि तेरे वचन में, तेरी प्रतिज्ञा में यह लिखा हुआ। अपने आप कोई प्रतिज्ञा पूरी नहीं होती। संविधान में लिखा है आपके घर पे कोई कब्जा नहीं कर सकता, तो क्या कब्जे नहीं होते? तो आपको लड़ना पड़ता है कब्जा नहीं करना भाई, ये मेरी रजिस्ट्री है। शैतान कब्जा करेगा आपके बिजनेस पे, आपके हेल्थ के ऊपर, आप नहीं फाइट करोगे? आपको प्रतिज्ञा के बारे में मालूम नहीं? या वो व्यक्ति सफर करेगा, मुश्किल में रहेगा, जिसको कानून के बारे में पता नहीं? अगर आपको बिब्लिकल कानून के बारे में मालूम है, अगर आपको मालूम है बाइबल क्या कहती है मेरे विषय में, आप सफर नहीं करेंगे, आप दुखी नहीं होंगे, आप दुख नहीं उठाएंगे फालतू का, क्योंकि उसने आपको बड़ी प्रतिज्ञाएं दी। गरीबी यीशु मसीह की ओर से नहीं, बाइबल कहती गरीबी से बाहर निकालेगा वो आपको। ये प्रतिज्ञा है आपके लिए। पढ़ो बाइबल, पढ़ो, देखो क्या लिखा है। पर हमने कभी टाइट दिया ही नहीं, कभी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से बाहर आए ही नहीं, तो प्रतिज्ञा तो बाद में दिखेगी ना, पहले तो व्हाट्सएप दिखता है मैसेज आया कि नहीं है। उसने लिखा तुम सड़ाहट से छूट जाओगे जब लस्ट से छूट जाओ। आज एक जवान लड़की यहां बैठी, खुदावन सोच के बैठे, इसके बाप को मैं बचाऊंगा, इसकी मां को बचाऊंगा, रिश्तेदारों को बचाऊंगा, इसको मैं ऐसा हस्बैंड दूंगा, मैं इसको ऐसी लाइफ दूंगा, पर वो अपने बॉयफ्रेंड में अगर बिजी है तो बाइबल कहती है तुम सड़ जाओगे, क्योंकि बुरी अभिलाषा से, लस्ट से तुम सड़ जाओगे। उसने कहा बड़ी प्रतिज्ञाएं मैंने तुम्हें दी, अब मुझे सोचना है कौन सी प्रतिज्ञा मेरे लिए। एक बंदा अमीर बैठा है यहां पे, उसे पैसे वाली प्रतिज्ञा हिट नहीं कर रही, पर उसकी उसकी मैरिड लाइफ खराब हो चुकी,
वो जब बाइबल पढ़ेगा और परमेश्वर 100 भजन संहिता 128 में लिखा तेरी वाइफ दाख लता किसी होगी, तेरे बच्चे ऑलिव जलपाई के पौधे के जैसे तेरे मेज के चारों ओर होंगे, उसको लगेगा ये मुझे चाहिए। आप शोरूम में जाते हो ना, इसको लाल रंग पसंद नहीं, इसको नीला पसंद नहीं, किसी को नीला पसंद है, किसी को लाल पसंद है। आप बाइबल पढ़ते हो, आप प्रतिज्ञाएं पढ़ते हो, कौन सी आपको चाहिए आप उसे लेते हो, उस पर प्रार्थना शुरू करते हो, रोजे शुरू करते हो, फास्टिंग करते हो, अपने लस्ट से फ्री होते हो, ईश्वरीय स्वभाव में बढ़ते हो, रिजल्ट आना शुरू होता है। आपका रिजल्ट आता है, क्योंकि जब रिजल्ट ना आए इंसान डिस्करेज होता है, उसका मेहनत करने को दिल नहीं करता, हाँ या ना? पर जब रिजल्ट आता है आपका दिल करता है, नहीं मैं और बढ़ूं, मैं कुछ और करूं। कहता मैंने तुम्हें बड़ी बहुत बड़ी बहुमूल्य प्रतिज्ञाएं दी हैं, ताकि तुम उस सड़ाहट से छूटकर जो इस संसार की बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाओ। पहले आप छूटते हो, पहले आप वायदों पर ध्यान देते हो कि यह प्रभु की प्रतिज्ञा है, मुझे ऊंचा करना, मेरे जीवन में किए वायदों को पूरा करना, मुझे ब्लेस करना। फिर लिखा जब मैं ये देखता हूं कि मैं इस संसार के अभिलाषाओं से मुक्त हूं ताकि मैं सड़ू ना, डिके ना हो, तो मैं जब छूटता हूं तो लिखा उससे अगला स्टेप ये है कि मैं ईश्वरीय स्वभाव के जैसा बनता जाता हूं। और जैसे ही आप ईश्वरीय स्वभाव के जैसे बनते जाते हैं आपकी प्रमोशन तय होती 100%। कई बार शरीर में आपको प्रमोशन लगे ना लगे, पर आत्मा में अगर आप प्रमोट हो वो नजर आएगी। आमीन ऊंचा आशीष ऊंची। आप तैयार हो लस्ट से फ्री होने के लिए, उसके वायदों के ऊपर अपनी निगाह को टिकाने के लिए। बड़ी प्रतिज्ञाएं कहता उसने दी, ध्यान दोगे उस पर, सीरियस रहोगे और उन प्रतिज्ञाओं को देखते रहोगे, कहता फिर तुम लस्ट से फ्री हो जाओ, तुम लस्ट में नहीं फंसोगे। शरीर पर चलना तो मृत्यु है, आत्मा के अनुसार चलना जीवन और शांति। मौत का मतलब यह नहीं आप डेड हो जाओगे सुबह, पर कहीं ना कहीं मुर्दापन आएगा, वो लाइफ में हो, वो घर हो, वो फाइनेंस हो, वो स्पिरिचुअल कुछ भी हो, जब जब शरीर एंटर करेगा मुर्दापन एंटर करेगा। और जब जब आत्मा आप घुसाओगे अंदर, आत्मा के अनुसार चलोगे, तब तब लाइफ देखोगे। बोलो ऊंची आवाज में, बोलो उन प्रतिज्ञाओं को देखता हुआ मैं लस्ट को छोड़ता हूं, ईश्वरीय स्वभाव में सहभागी होता हूं, ताकि मैं सड़ाहट से छूट जाऊं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आमीन ऊंचा आशीष ऊंचे।